हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल ग्रीटिंग्स टू यू सो आई वेलकम यू इन द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर सेवन गेटिंग टू नो प्लांट्स क्लास सिक्स एंड सी आर टी ऑल राइट तो अभी तक हमने लीव्स के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था लीव क्या है ओके उसके बाद हमने डिस्कस किया लीव का स्ट्रक्चर उसके बाद हमने वेनेशन डिस्कस करी थी दो टाइप की वेनेशन हमने डिस्कस करी थी रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरल वेनेशन ये सब हमने डिस्कस किया था अब हमें देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट लीफ का फंक्शंस क्या है लीफ के बिकॉज स्टेम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट uh, का वो क्या है लीफ है राइट right? तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स ओके वो फंक्शन सॉरी फंक्शन देखते हैं हम लीफ का तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास लीफ का क्या है फोटोसिंथेसिस 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 वर्ड का मीनिंग क्या होता है फोटो मीन्स होता है लाइट सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस करना लाइट की हेल्प से फूड प्रोड्यूस करना और राइट फोटो वर्ड का मीनिंग होता है लाइट आपे याद रखना फोटो फोटो मीन्स होता है लाइट जैसे हम फोटोग्राफ खींचते हैं जहाँ पे भी हम लाइट की हेल्प से फोटोग्राफ कब आती है अगर मैं आपको एक डार्क रूम में खड़ा कर दूँ और फिर मैं लाइट फोटो खींचूँ तो आपकी फोटो आएगी नहीं आएगी फोटो किसकी वजह से आएगी लाइट की वजह से तब फिर फोन में ऑटोमेटिकली हमें पता है क्या होता है आजकल डार्क मोड में नाइट मोड भी होता है फ़ोन में तो अपने आप ही फ्लैश ऑन हो जाता है राइट तब हमारी फोटो क्लिक होती है तो फोटो मीन्स होता है लाइट सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना लाइट की हेल्प से खाना प्रोड्यूस करना ओके okay. तो और मैंने बताया था आपको फोटोसिंथेसिस किसमें होता है जो भी लीफ होती है ग्रीन कलर की और ग्रीन वो किस पिगमेंट की वजह से होती है क्लोरोफिल की वजह से ये हमने डिस्कस किया था क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से लीफ होती है ग्रीन ये फर्स्ट पार्ट आपको पता चल गया क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप करता है सपोज ये सन है सन से जो लाइट पड़ी लीफ के ऊपर ये लीफ है सपोज ओके okay. ये लीफ है लीफ के अंदर क्या है क्लोरोफिल है तो लीफ लीफ क्लोरोफिल ने लाइट को ट्रैप किया लाइट ट्रैप करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है लीफ ओके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एच टू ओ ये दोनों जो चीजें हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एंड देन बीच में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट राइट एनर्जी एनर्जी कहाँ से मिली लाइट से मिली लाइट कौन सी सन की ओके सन से हमें क्या मिली एनर्जी मिली ओके okay, तो CO2 टू और एच टू ओ ने फिर क्या करा शुगर बना लिया शुगर मतलब ग्लूकोज मतलब फूड एंड क्या प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन ओके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी और क्या प्रोड्यूस किया वाटर ओके okay, तो ये रिएक्शन होता है फोटोसेंथेसिस में क्या okay, ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन दोनों को कंबाइन करके एनर्जी क्या करती है ब्रेक करती है एंड देन शुगर प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन जो गैस है वो प्रोड्यूस करती है एंड वाटर भी थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है ओके okay? तो ये पूरा रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में होता है एंड जिसकी वजह से खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं प्लांट्स ओके एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें पता है कि फोटोसेंथेसिस करने के लिए लीव्स को कौन सी गैस चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ओके okay? और कौन सी गैस वो प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो वो एनवायरमेंट में रिलीज कर देती है एंड एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है वो कैसे लेती है वो मैं आपको बताती हूँ जो लीफ है ना लीफ का पैलेट है जो लेमिना लेमिना के ऊपर बहुत सारे ना स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा क्या बोलते हैं स्टोमेटा वो ऐसे बीन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में डिटेल में हम और हाईर क्लासेस में भी पढ़ेंगे ऐसे बीन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं स्टोमेटा ये क्या है इनके बीच में पे पोर होता है तो जैसे ही इनके अंदर वाटर फिल हो जाता है तो ये पोर बड़ा हो जाता है और इस पोर से गैस अंदर भी चली जाती है एंड गैस बाहर भी रिलीज आउट हो जाती है ओके तो ये स्टोमेटा पूरी लीफ पे प्रेजेंट होते हैं तो स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट्स है वो गैसेस का क्या करता है एक्सचेंज करता है ओके और स्टोमेटा की वजह से ही प्लांट क्या कर पाता है प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं आपको पता है ना रात रात को मैंने बताया ना लाइट की प्रेजेंस में फोटोसेंसिसिस होगा बट रात को क्या होता है रात को फोटोसेंसिस नहीं होता रात को प्लांट क्या करते हैं नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं तभी कहते हैं रात को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं प्रॉपर रेस्पिरेशन करते हैं तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्लांट के नीचे इकट्ठी हो जाएगी और सपोज आप वहीं पर सो रहे हो तो क्या होगा आपको सफोकेशन होने लग जाएगी आपका दम घुटने लग जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और मे भी हो सकता है कि सुबह तक किसी की डेथ भी हो जाए ओके okay? तो तभी बोलते हैं कि रात को प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन इंटेक करते हैं वो नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं जो हम ह्यूम्स एन ऑल एनिमल्स जो करते हैं ओके okay? तो ये हमें हमें क्लियर हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपीरेशन अब आप सोचोगे ट्रांसपिरेशन क्या है ट्रांसपिरेशन है जैसे इवेपोरेशन होता है एनवायरमेंट में आपको पता ना वाटर साइकिल कि, 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 किस किस फिनमिना पे वर्क कर रही है इवेपोरेशन की वजह से वर्क कर रही है इवेपोरेशन होता है वेपर्स की फॉर्म में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में देन वो ऊपर क्लाउड में इकट्ठा होता है कंडेंसेशन की वजह से कोल्ड होता है ऊपर तो वो वॉटर वापस से गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन जब वो क्लाउड बहुत हैवी हो जाते हैं तो वाटर अर्थ पे वापस आ जाता है तो ये पूरी साइकिल कंटिन्यू रहती है तभी हमारी अर्थ पे रेनफॉल होती है तभी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और हमें फ्रेश वाटर मिलता रहता है राइट right? तो इन इन द सेम वे जो प्लांट है मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ये प्लांट है ओके okay? ये प्लांट है हमारे पास इसके ऊपर बहुत सारी लीव्स हैं तो मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा की वजह से प्लांट क्या करता है कार गैसेस का, का एक्सचेंज करता है स्टोमेटा की हेल्प से ही प्लांट वाटर भी रिमूव करता है बॉडी से जो भी एक्सेस वाटर है ना मतलब अगर आप किसी एरिया में देखो जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होंगे वहाँ पर ना बारिश ज़्यादा होगी क्यों क्योंकि प्लांट भी अपने अंदर से वाटर को रिलीज करते हैं विद दी हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन में क्या होता है जो ये स्टोमेटा के जो पोर्स हैं इनमें से वाटर इवेपोरेट होता है एक्सेस वाटर जो भी होता है जो प्लांट यहाँ नीचे सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है और ऊपर आ रहा है सब जगह पे तो जो भी एक्सेस वाटर है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली सनलाइट पड़ रही है जब कंटिन्यूअसली सनलाइट पड़ रही है तो इवेपोरेशन प्लांट्स में भी तो होगा आप जब आप, आप आपको पता ना हम भी जब बाहर जाते हैं तो हम सन को अवॉइड करते हैं हम अम्ब्रेला ले लेते ले हैं कैप पहन लेते हैं शेड शेड में खड़े हो जाते हैं बट प्लांट तो ऐसे नहीं कर सकते ना तो प्लांट क्या है प्लांट ऑलवेज 24 फोर आवर्स हर तरीके की जो नेचुरल क्लाइमेटिक कह सकते हैं नेचुरल कंडीशन है उनको फेस करते हैं मतलब सन भी है अगर बहुत ज्यादा अब तूफान आ रहा है तो तूफान में आपने देखा पेड़ टूट जाते हैं और राइट रात हो रही है ठंड हो रही है गर्मी हो रही है कुछ भी हो रहा है वो वहीं पे खड़े हुए हैं वो नहीं हिल सकते बट हम लोग क्या है हम अपने घर में आ जाते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं राइट पर वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं आ सकते तो उनमें क्या होता है जब कंटिन्यूअसली उनके ऊपर सनरेज पड़ रही है तो इवेपोरेशन भी तो होगी तो प्लांट पे जो इवेपोरेशन होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन ओके okay, इसे प्लांट अपना वाटर का बैलेंस भी मेंटेन रखता है एक्सेस वाटर जो है वो बाहर इवेपोरेट हो जाता है इन एनवायरनमेंट ओके सो ये होती है ट्रांसपीरेशन तो ये थ्री प्रोसेसेस हैं थ्री फंक्शंस हैं जो लीफ हमारी परफॉर्म करती है ये हमने देख लिया अब हम एक एक करके जो हमारी बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज दी हैं लीफ से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे सो क्लास आपको दिख रहा है मेरे सामने अभी क्या है मेरे सामने एक लीफ है ओके okay? एक वाइट पेपर है एक हमारे पास एक ब्रश है और एक हमारे पास कलर है पोस्टर कलर ओके सो हमें हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है कि अगर हमें लीफ का स्ट्रक्चर अच्छे से डिस्कस करना है या स्टडी करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो वो ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ सो एज़ यू कैन सी मैंने लीफ पे अच्छे से कलर कर दिया है राइट right? अब मैं इसको पेपर के ऊपर मैं क्या करूँगी ट्रेस करूंगी, करूंगी. ये हमने करा है बहुत बार आर्ट में भी हम लोग करते हैं राइट right? अब आप देखना ना हम इसको रिमूव कर लेंगे एंड ये देखो आप ये लीव का स्ट्रक्चर बन गया आपको लीव की छोटी छोटी डिटेल्स भी दिख रही हैं इसमें राइट तो इस एक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं वेन्स को और बाकी जो लीव्स के अदर पार्ट्स हैं उनको डिटेल में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और राइट? तो हमने एक्टिविटी वन डिस्कस कर ली सो so, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी लीव्स की वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है सबसे पहले हमें लीफ लेनी है कॉयलस लीफ कॉयलस लीफ एक्चुअली कैसी होती है देखो आप मेरे साइड में देखो आपको कॉयलस लीफ की पिक्चर दिख रही है आप उसमें ध्यान से देखो उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो ग्रीन है उसके अंदर फिर जो कलर है वो थोड़ा सा क्या है डार्क पिंक है जैसे आप मेहरून भी कह सकते हो एंड अंदर जो मिड रिप है मिड रिप एकदम पिंक है राइट तो ये लीव हमें लेनी है इस लीव को फिर हमें क्या करना है ये लीव हमने देखी इस लीव को हमें अल्कोहल होता है अल्कोहल के अंदर डिप करना है एंड देन उसको 15-20 मिनट्स बॉईल करना है राइट right? अल्कोहल के अंदर डिप किया आप अपनी बुक में पिक्चर भी देख सकते हो उसके बाद हमने उसको वाटर को बॉईल किया वाटर के अंदर उस टेस्ट ट्यूब को रख दिया एंड देन टेस्ट ट्यूब से आपको पता है ना वो कंडक्शन के थ्रू वो जो आ, वो वाला वाटर बॉयल हुआ वो उसने क्या करा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू हमारा जो टेस्ट ट्यूब है वो भी बॉयल हो गई एंड जो हमारा लीफ है वो भी बॉयल हो गई तो आप देखोगे जब हमने उसको अल्कोहल के अंदर रखेंगे तो जो लीफ का जो ग्रीन पार्ट है वो कलरलेस हो गया अब हमें क्या करना है अब हमें लीफ को बाहर निकालना है एंड देन हमें उसको अच्छे से वॉश करना है ताकि सारा एल्कोहल उसके ऊपर से रिमूव हो जाए देन हमें आयोडीन आयोडीन उसके ऊपर डालना है तो आयोडीन जो ग्रीन पार्ट जो कलरलेस हुआ है उसके ऊपर जो आउटर बाउंड्री है वहाँ पर जब हम वहाँ पर आयोडीन डालेंगे तो वो जो एरिया है वो वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस वाले पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट है तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का या लीफ का वो क्या करता है फोटोसेंथिसिस से स्टार्च या फिर ग्लूकोज या फिर फूड प्रोड्यूस करता है तो ये हमने करा स्टार्च टेस्ट लीफ के ऊपर ऑल राइट अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रांसपरेशन को स्टडी करने की मैंने आपको बताया था ना कि प्लांट्स ट्रांसपरेशन करते हैं प्लांट्स जो इवेपोरेशन करते हैं उसको हम ट्रांसपरेशन बोलते हैं तो इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं हम क्या करेंगे एक बुशी प्लांट लिया हमने और उसको चारों तरफ से हमने पॉलीथीन से कवर कर दिया आपको पता है ना पॉलीथिन अपने अंदर से वाटर रिलीज नहीं करती हमने उसको चारों तरफ से पॉलिथीन से कवर कर दिया एंड नीचे हमने रबर बैंड लगा दी फॉर फ्यू आवर्स एंड देन हमने उस प्लांट को कहाँ रख दिया

नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है नेक्स्ट एक्टिविटी है टू स्टडी दैट लीव प्रोड्यूस स्टार्च इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अब हमें क्या करना है सनलाइट की प्रेजेंस में ये टेस्ट करना है मैंने अभी आपको बताया था ना कि स्टार्च जो है ये फोटोसेंसेसिस की जो प्रोसेस है वो सनलाइट में ही होगी रात में नहीं होगी बट आप बोलोगे मैम प्रूफ करो राइट right? तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं इसको प्रूफ करने का बहुत ही ईजी तरीका है देखो हम क्या करेंगे हम एक लीफ लेंगे वो प्लांट से ही अटैच है ओके okay, उस लीफ पे हम आराम से यहाँ एक एक पार्ट पे हम ऐसे करके ब्लैक कलर की टेप लगा देंगे बहुत आराम से थोड़ी मोटी थिक लीफ लेंगे राइट थोड़ी मोटी लीफ लीफ थिक लीव हमने उसके यहाँ पे हमने ब्लैक टेप लगा दी ओके एंड फिर हमने उस उस लीफ को पूरे दिन फ्यू आवर्स के लिए फाइव टेन आवर्स के लिए जब तक हमारे पास सन रहता है ट्वेल्व आवर के लिए हमने उसको छोड़ दिया सन में ओके okay, फिर हमने आराम से वो टेप रिमूव करी एंड देन हमने क्या करा स्टार्च टेस्ट किया हमने ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पर स्टार्च का टेस्ट किया एंड देन जो ये टेप वाला पार्ट था इसमें टेप हटा के इस पर भी स्टार्च टेस्ट किया तो यहां पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा राइट ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा जब हम आयोडीन डालेंगे बट यहां पर आएगा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर उसके ऊपर सनरेज़ नहीं पड़ी तो उसने सनलाइट नहीं करी तो क्लोरोफिल होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर उस एरिया में सनलाइट नहीं पड़ रही राइट right? तो ये भी हमने क्या करा एक्टिविटी से प्रूफ कर लिया तो हमने आज के एक्टिविटी में लीफ के स्ट्रक्चर लीफ के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया एंड हमने एक्टिविटीज़ देखी अलग अलग जिससे हम लीफ की स्टडी कर सकते हैं लीफ के जो भी हमने फंक्शंस पढ़े एक्चुअली हमने उनको प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखा और राइट आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग